का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं चांदनी। तो यहां पर बात करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की। दरअसल जयपुर से आपको बता दें कि समावेशी और विकासोन्मुखी बजट की कवायद, सीएम अशोक गहलोत आज लेंगे बजट पूर्व बैठक। स्वयंसेवी संगठनों, सिविल सोसाइटी व उपभोक्ता फोरम प्रतिनिधि यहां मौजूद होंगे। किसान, पशुपालक एवं डेयरी संघ के पदाधिकारी भी यहाँ पर मौजूद होंगे। तो आज सीएम अशोक गहलोत की तरफ से ये बैठक होने वाली है। ये बैठक जो है बेहद महत्वपूर्ण है। इस बैठक में तमाम तरह के मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी और इससे पहले भी जो कल बैठक हुई थी, कर परामर्शदात्री की जो बैठक हुई थी, उसमें भी कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। दरअसल आपको बता दें कि बिजली, किसानों की समस्याओं को लेकर, जल संकट को लेकर, जल संसाधन को लेकर यहां पर चर्चा की गई थी और साथ ही लोगों की राय भी जानी गई थी, लोगों से सुझाव भी लिया गया था। और आज भी सीएम अशोक गहलोत की ये बैठक होने वाली है, बजट को लेकर ये बैठक होगी। और इस बजट बैठक की बात करें तो यहाँ पर तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। दरअसल किसान, पशुपालक और डेयरी संघ को लेकर यहाँ पर बातचीत की जाएगी। और इस बैठक में कांग्रेस के जो दिग्गज है वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो स्वयंसेवी संगठनों और सिविल सोसाइटी और उपभोक्ता फोरम प्रतिनिधि भी यहां पर मौजूद रहेंगे। साथ ही किसान, पशुपालक एवं डेयरी संघ की पदाधिकारी भी यहां पर मौजूद रहेंगे। तो ये बैठक जो है बेहद महत्वपूर्ण है और ये बैठक सीएम अशोक गहलोत लेंगे। इस बैठक में तमाम तरह के मुद्दों को लेकर मंथन किया जाएगा और बजट पूर्व बैठक है ये। और इसमें वो कौन कौन से मुद्दे होंगे जिसको लेकर ये चर्चा की जाएगी, जिसको लेकर मंथन किया जाएगा, ये भी जानेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये बैठक होने वाली है, ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक है। दरअसल कल भी जो बैठक हुई थी उसमें तमाम तरह के जो मुद्दे थे उनको उठाया गया था। बात अगर करें बिजली को लेकर, साथ ही जल संसाधन को लेकर, कृषि की समस्याओं को लेकर, महिलाओं से संबंधित बातों को भी यहाँ पर रखा गया था। और आज भी जिस तरीके से ये बजट पूर्व बैठक होने वाली है, बेहद महत्वपूर्ण बैठक है और ये बैठक जो है सीएम अशोक गहलोत बैठक लेंगे। और इस बैठक में तमाम जो दिग्गज है वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। साथ ही किसान, पशुपालक और डेयरी संघ के जो पदाधिकारी हैं वो भी इस बैठक में मौजूद होंगे और इस बैठक में सभी अपनी राय देंगे। यहाँ पर सुझाव भी लिया जाएगा और क्या कुछ रहने वाला है इस बैठक में ये भी जानेंगे। तो सीएम अशोक गहलोत ये बैठक लेंगे। तो समावेशी और विकासोन्मुख बजट की इसमें कवायद देखने को मिलेगी और सीएम अशोक गहलोत आज ये बजट पूर्व बैठक लेंगे। तो ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है, ये बैठक सीएम अशोक गहलोत लेंगे। और इस बैठक में बजट पूर्व बैठक की बात करें तो यहाँ पर तमाम वो मुद्दे हैं जिनको लेकर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। और इससे पहले भी जो बैठक हुई थी उसमें भी तमाम तरह के मुद्दों को लेकर चर्चा की गई और उस बैठक में लोगों से सुझाव भी मांगा गया कि इस बजट को पेश करने से पहले क्या क्या लोगों की राय है और किस तरीके से बजट होना चाहिए, क्या इसके इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए, इन बातों पर गौर किया गया। और आज जो बैठक होने वाली है ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। इस बैठक को सीएम अशोक गहलोत ये बैठक लेंगे और इस बैठक में स्वयंसेवी संगठनों, सिविल सोसाइटी और उपभोक्ता फोरम प्रतिनिधि जो हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। साथ ही किसान, पशुपालक और डेयरी संघ के जो पदाधिकारी हैं वो भी यहां पर मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के जो दिग्गज हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और यहां पर जो तमाम मुद्दे हैं उनको लेकर चर्चा की जाएगी। अगर बात करें यहाँ पर बिजली की, कृषि की समस्याओं की बात करें, जल संसाधन की बात करें, तो वो तमाम मुद्दे हैं जिन पे यहाँ पर मंथन किया जाएगा और ये बैठक सीएम अशोक गहलोत लेंगे। सीएम अशोक गहलोत आज ये बैठक करेंगे और उस बैठक में मंथन किया जाएगा कि इस बैठक में आखिर जो बजट पूर्व बैठक है उसमें किन किन मुद्दों को उठाया जाए और आगे किस तरीके से बजट को पेश किया जाए, वो कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए, उन सभी मुद्दों को लेकर यहाँ पर चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा। और इस बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है ये भी आपको बताएंगे। तो समावेशी और विकासोन्मुखी बजट की ये कवायद है और सीएम अशोक गहलोत ये बैठक लेंगे। तो ये बैठक
बेहद महत्वपूर्ण है और ये किसान पशुपालक एवं डेयरी संघ के जो पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। साथ ही जो कांग्रेस के दिग्गज हैं वो भी यहाँ पर बैठक में मौजूद रहेंगे। दरअसल कल जो बैठक हुई थी उस बैठक में जो लोग मौजूद थे उनसे सुझाव भी लिया गया बजट को लेकर, और आज जिस तरीके से बजट पूर्व ये बैठक होने वाली है ये भी बेहद महत्वपूर्ण बैठक है। आज इस बैठक में क्या कुछ खास रहने वाला है, किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी ये भी आपको बताएंगे। और इस बैठक की जो अध्यक्षता है सीएम अशोक गहलोत करेंगे। इस बैठक में उन मुद्दों को लेकर मंथन भी किया जाएगा। किसान की समस्याओं की बात करें, बिजली की बात करें या पानी संकट की बात करें, कैसे इन जो तमाम मुद्दे हैं उनको कैसे ठीक किया जाए और आगे किस तरीके से रणनीति बनाई जाए, आपको बता दी कि जो तमाम तरह की अटकलें नजर आ रही थी उनको कैसे दूर किया जाए, काम में गति जो हो रही है उसको कैसे तेज किया जाए इसको भी लेकर यहाँ पर मंथन किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से कुछ कामों में जो रुकावटें आ रही थी उसको भी लेकर यहाँ पर चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से काम को तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है उसको लेकर भी यहाँ पर मंथन किया जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, जिस तरीके से आज ये बजट पूर्व बैठक होने वाली है क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, बजट पूर्व जो बैठक है चादरी वो कल भी हुई थी, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि आज वाली जो बजट पूर्व बैठक है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उसका कारण ये है कि आज जो बजट पूर्व बैठक हो रही है इसमें किसानों से मुख्यमंत्री चर्चा करने वाले हैं। किसान ये इस बैठक में शामिल होंगे, उनसे पूछा जाएगा कि सरकार का जो पहला बजट आने वाला है, सरकार का पहला जो पूर्ण बजट लेके आ रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उसमें किसानों के लिए क्या कुछ सरकार कर सकती है। इसके अलावा जो पशुपालन से जुड़े हुए लोग हैं उनसे भी राय मशविरा किया जाएगा। उपभोक्ता फोरम के लोगों भी इस बैठक में आज बुलाए गए हैं, एनजीओज हैं, सिविल सोसाइटीज हैं, तो वो समाज का हिस्सा जो बजट से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि हमने देखा है किसी भी सरकार का जब बजट आता है तो किसान उस बजट के इर्द गिर्द होता है, किसानों की बहुत ज्यादा चर्चा उस बजट में होती है। तो किसानों से आज इस बजट में मुख्यमंत्री 1-to-1 बातचीत करेंगे, पूछेंगे कि किसानों की आय को बढ़ाने के लिए, किसानों का जो फसली नुकसान है उसको कम करने के लिए, उसका मुआवजा देने के लिए, या फिर ऐसी और कौन सी स्कीम राज्य सरकार बजट में लेकर आ सकती है जिससे प्रदेश के किसानों का भला हो सके, उनकी जो आय है फसल की वो बढ़ सके और उनकी जो परेशानियां हैं वो कम हो सके। तो मीटिंग करीब 11 बजे शुरू होगी। अब से कुछ देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पहुंचेंगे। सचिवालय का जो कॉन्फ्रेंस रूम है वहां पर ये चादरी मीटिंग रखी गई है। मंत्री लालचंद कटारिया, क्योंकि आज किसानों से चर्चा है तो कृषि मंत्री लालचंद कटारिया पहुंच चुके हैं, ममता भूपेश यहां पर आ चुकी हैं, गोविंद सिंह डोटासरा यहां पर आ चुके हैं, और थोड़ी ही देर बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। जैसा मैंने कहा कि ये इस सरकार का पहला पूर्ण बजट है, ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कोशिश है कि क्योंकि पहला बजट है, गुड गवर्नेंस का उनका नारा है, तो ऐसा बजट वो लेकर आए जिससे हर समाज के हर तबके को लगे कि ये बजट उनके लिए लाया गया है। और हमने देखा है कि जब अशोक गहलोत पिछली बार भी सरकारों में रहे हैं, 2 बार वो मुख्यमंत्री रहे हैं, तब भी उनका ये ट्रेंड रहा है कि बजट से पहले उन्होंने समाज के हर तबके से बातचीत की है, बैठक की है, ये जानने की कोशिश की है कि जो बजट सरकार लेकर आने वाली है या जो बजट सरकार लाती है उसमें अलग अलग लोगों के लिए वो क्या अच्छा कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा, क्योंकि ये जो सरकार है कांग्रेस सरकार अशोक गहलोत की, ये जब चुनावों में गई थी तो सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था किसानों की कर्ज माफी का, और सरकार में आने का जो रोल था वो भी काफी हद तक उस मुद्दे ने पूरा किया। तो सरकार जानती है कि किसानों के साथ जुड़ा रहना उनके लिए बहुत जरूरी है, और यही कारण है कि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसानों से चर्चा करेंगे, और बहुत संभावना है कि किसानों के जो बहुमूल्य सुझाव होंगे वो आने वाले दिनों में जब मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे विधानसभा में तो उसमें दिखाई दे। बिल्कुल शिवेंद्र, जिस तरीके से भी आपने बताया है कि ये जो बजट पूर्व बैठक होने वाली बेहद महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर सीएम अशोक गहलोत जो है वो किसानों से खुद बात करेंगे, क्योंकि किसानों को लेकर अक्सर कई तरीके के सवाल उठते हैं, उनकी कर्ज माफी को लेकर, उनकी फसली को जो नुकसान हुआ उसको लेकर, तो यहाँ एक नई पहल की जाएगी कि यहाँ पर किसानों से बात किया जाएगा ताकि क्या कुछ सुधार किए जा सकते हैं और जिस तरीके से जो उनकी फसली को नुकसान हुआ उसको सुचारू रूप से चलाया जा सके। देखिए, जाहिर तौर पर कोशिश यही है, जैसा मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जानते हैं कि किसानों को भी काफ़ी उम्मीद उनकी सरकार से है, और हमेशा कोई भी प्रदेश सरकार, सिर्फ राजस्थान की सरकार ही नहीं, कोई भी प्रदेश सरकार जब भी बजट लेकर आती है तो जब उस बजट का एनालिसिस होता है, हम लोग भी जब उस बजट को देखते हैं कि आखिर इस बजट में क्या है, तो सबसे पहले अगर किसी की निगाह जाती है, सबसे पहले किसी टॉपिक पर किसी का ध्यान जाता है तो वो टॉपिक होता है किसानों से जुड़ा हुआ,
और यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने किसानों को आज इस बैठक में बुलाया है, उनसे वन टू वन बातचीत होगी। क्योंकि हमने देखा है कि बीते दिनों में, और यहाँ पर देखिए आप, मुख्यमंत्री के आने के संकेत हो चुके हैं चांदनी, हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे, किसी भी समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बैठक में पहुंचेंगे, क्योंकि बैठक का जो समय है वो पूरा हो चुका है। 11 बजे इस बैठक का समय था और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आने का जो सिग्नल है वो यहाँ पर मिल चुका है। सीएमओ में ही अभी अशोक गहलोत है, सीएमओ से वो सीधे सचिवालय का जो कॉन्फ्रेंस रूम है यहाँ पर पहुंचेंगे। और जैसी हम बात कर रहे थे कि किसानों से वो चर्चा करेंगे, इसके अलावा पशुपालकों को भी बुलाया गया है, क्योंकि जो किसान और पशुपालक हैं वो भी आपस में जुड़े हुए हैं, तो उनके क्या सुझाव रहते हैं, सरकार को वो लोग क्या चाहते हैं कि जब सरकार का पहला बजट आए तो पशुपालकों के लिए क्या कुछ हो, वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और आप तस्वीरें देखिए, तस्वीरों में आपको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं, जो सीएमओ से पैदल चलकर यहाँ पर सचिवालय का कॉन्फ्रेंस रूम है, बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है। आज ये दूसरा चरण है इस बैठक का, कल भी ये बैठक हुई थी और कल हमने देखा था कि व्यापारियों के साथ मुख्यमंत्री ने वन टू वन चर्चा की थी, जो उद्यमी है उनसे चर्चा की। बिल्कुल शिवेंद्र, तस्वीरें भी देख पा रहे हैं कि सीएम अशोक गहलोत यहाँ पर पहुंच चुके हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये जो बैठक है बेहद महत्वपूर्ण बैठक है। शिवेंद्र, जिस तरीके से कल जो बैठक हुई थी उसमें लोगों से सुझाव लिया गया था, ताकि सुझाव के बाद कुछ नई बातें निकल के आती हैं जिसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है, क्या आज भी ऐसे कुछ रहने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा मैं कह रहा हूँ लगातार कि मंशा यही है सरकार की चांदनी, कि जो भी चाहे किसान प्रतिनिधि हों, चाहे व्यापार से जुड़े प्रतिनिधि हों, पशुपालक हों, एनजीओ हों, सिविल सोसाइटी हों, लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या चाहते हैं कि सरकार का जो पहला बजट है वो किस तरह का हो, यही कारण है कि सरकार वन टू वन मीटिंग कर रही है। और बहुत संभव है कि जब सरकार का पहला बजट आएगा तब वो सभी चीजें हमको उस बजट में देखने को मिल सकती हैं जो सुझाव दिए हैं। क्योंकि देखिए, एक होता है कि अधिकारी प्लानिंग करें बैठकर, नेता प्लानिंग करो, एक होता है कि जिन लोगों के लिए बजट बनाया जा रहा है वो खुद ही बताएं कि आखिर हम लोगों की डिमांड क्या है। तो आप देखिए, कुछ ही देर में आपको तस्वीरें भी दिखेंगी बैठक के अंदर की, हमारे जो सहयोगी हैं नरेंद्र, हमारे कैमरा पर्सन, वो आपको मीटिंग के अंदर की तस्वीर भी दिखाएंगे। शिवेंद्र, अगर बात करें तो ये बैठक कितनी देर तक चलेगी? देखिए, 2 बजे तक ये बैठक चलेगी, 2 बजे तक का समय है, 2 बजे तक अलग अलग इसमें मुख्यमंत्री का संबोधन भी होगा। पहले ये होगा कि जो लोग आए हैं अलग अलग वर्गों के, उनसे सुझाव लिए जाएंगे, उनसे पूछा जाएगा कि उनके लिए इस बजट में क्या हो सकता है, और उसके बाद फिर इसमें मुख्यमंत्री का संबोधन होगा। मुख्यमंत्री अपना जो विजन है वो लोगों के सामने रखेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं सरकार का जो पहला बजट आने वाला है, और उसके बाद जब मुख्यमंत्री का संबोधन होगा उसके बाद जो बैठक है आज दूसरे चरण की वो समाप्त हो जाएगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आज की बैठक इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज इस बैठक में ग्रामीण जो राजस्थान है, क्योंकि इसमें पशुपालक हैं, इसमें किसान हैं, इसमें एनजीओ हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, तो जो बजट की मूर्त धारणा होती है, जिन लोगों के लिए बजट खासकर बनाया जाता है, वो वर्ग शामिल है। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि वो लोग मुख्यमंत्री को क्या सुझाव देते हैं, क्योंकि किसानों के लिए भी एक बहुत अनोखा मौका होगा कि उनके सामने खुद मुख्यमंत्री बैठे हैं और वो मुख्यमंत्री को अपनी बात कह पाएंगे कि साहब आप किसानों के लिए ये स्कीम ले आइए, मान लीजिए हमको यूरिया में क्या दिक्कत होती है, हमको लोन लेने में क्या दिक्कत होती है, या कभी जब आपदा हो जाती है, ओलावृष्टि हो जाती है, भारी बारिश हो जाती है, तब किस तरीके की दिक्कत होती है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो किसान कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री के सामने रखें, और सरकार की भी कोशिश यही है कि ये जो बैठकें हैं ये महज खाना पूर्ति बन के नहीं रह जाएं, जो सुझाव लोगों से अलग अलग वर्गों से सरकार को मिल रहे हैं वो सुझाव बजट में आ सकें, वो प्रावधान बजट में हो सकें, ये सरकार की कोशिश है। बिल्कुल शिवेंद्र, तो जिस तरीके से ये बैठक होने वाली है और यहाँ पर सीएम अशोक गहलोत भी पहुँच चुके हैं और यहाँ पे जो तमाम मंत्री हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, तो इस बैठक की एक अच्छी बात यह है कि जब ये बजट पेश किया जाएगा तो इस पर सबकी निगाहें भी टिकी होंगी। बैठक है, इसमें कोई दोराय नहीं है, और आप तस्वीरें भी हमारे दर्शक सबसे पहले फर्स्ट मीडिया पर देख पा रहे होंगे। तो ये आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं कि बजट पूर्व बैठक जो है अब शुरू होने जा रहा है, और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर सीएम अशोक गहलोत हैं, वो पहुंच चुके हैं, मंत्री लालचंद कटारिया यहाँ पर पहुंच चुके हैं, साथ ही यहाँ पर मंत्री डोटासरा भी है, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और ममता भूपेश यहाँ पहुंच चुके हैं। तो ये तमाम जो दिक्कत है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और आज इस बैठक की बात करें तो यहाँ पर किसान के मुद्दे को लेकर चर्चा की जाएगी, उनकी कर्ज माफी को लेकर चर्चा की जाएगी, जिस तरीके से उनकी फसल को नुकसान हुआ, सीएम अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं सुनते हैं। सबसे पहले
छलाई छीनी थी मैंने छीना थी। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, सभी मंत्रीगण, सेक्रेटरीज, हमारे स्वयंसेवी संगठनों के जन संगठनों के साथीगण, ये बहुत ही अच्छा अवसर है कि जनता की राय से कोई बात होती है। तो ये बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है और यहाँ पर सीएम अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं और आज इस बैठक में किसान के मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी, पशुपालकों को लेकर चर्चा की जाएगी और भी जो तमाम तरह के मुद्दे उनको लेकर चर्चा की जाएगी। और इस चर्चा के बाद, इस मंथन के बाद जब बजट पेश किया जाएगा तो इस बजट पे सभी की निगाहें टिकी होंगी। दरअसल इस बजट को पेश करने से पहले ये दो दिन से ये जो बैठक की जा रही है इसमें लोगों से सुझाव भी लिया जा रहा है। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, शिवेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। शिवेंद्र, जिस तरीके से दो दिन से ये बैठक चल रही है इसमें लोगों से सुझाव भी लिया जा रहा है, तो ये बजट काफी खास रहने वाला है और लोगों की निगाहें भी यहाँ पर टिकी रहेंगी इस बजट पर। बजट काफी खास रहने का कारण सरकार का ये पहला फोन लोग, सरकार भी जानती है कि लोगों को उनसे उम्मीद बहुत ज्यादा है। जब जिस तरीके से रिजल्ट लोकसभा चुनावों में आए हमने देखा कि जैसे बीजेपी को बड़ी जीत मिली, लेकिन कुछ महीने पहले ही विधानसभा के चुनाव हुए तो लोगों ने कांग्रेस पार्टी में भरोसा दिखाया। तो सरकार इस बात को जानती है कि लोगों ने कांग्रेस पार्टी में ट्रेंड के विपरीत जाकर भरोसा जताया है और एक अच्छे माहौल में राजस्थान की सरकार बनी है। तो सरकार ये चाहती है कि जब पहला उसका बिल आए उसमें गुड गवर्नेंस की झलक हो, किसानों को भी लगे कि सरकार ने उनका पूरा ध्यान रखा है, महिलाओं को भी लगे कि सरकार ने उनका पूरा, मतलब हर वर्ग को, समाज का जो हर तबका है उस तबके को ये लगना चाहिए कि हाँ सच में सरकार ने ये जो बजट है ये उनके लिए ही बनाया है और किसी ना किसी वर्ग के लिए कुछ ना कुछ तो इस बजट में है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, क्योंकि वो तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं, इसलिए दो कार्यकाल जो हमने उनके देखे हैं, उनका जो जनता से जुड़ने का तरीका है, क्योंकि इस तरीके की जो बजट से पूर्व बैठक है वो हर प्रदेश में, या मैं ये कहूँ कि हर राज्य में इतनी आसानी से देखने को नहीं मिलती। आमतौर पर नेता और अधिकारी सचिवालयों में बैठकर, दफ्तरों में बैठकर बजट तैयार करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का एक अपना तरीका है लोगों से जुड़ने का। और आप देखिए उन किसानों के लिए, उन एनजीओ के लिए, उन पशुपालकों के लिए, उपभोक्ता फोरम के लोगों के लिए भी कितना बड़ा समय है कि आपके ठीक सामने मुख्यमंत्री बैठे हैं, उनके ठीक सामने आप बैठे हो और आप अपनी बात मुख्यमंत्री को कह पा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी बात होती है लोगों का इस तरह से जुड़ना। मुख्यमंत्री की कोशिश यही है कि लोगों से अधिक बातचीत की जाए, लोगों के अधिक से अधिक सुझाव उनके पास आ सके, क्योंकि सरकार का पहला बजट अशोक गहलोत चाहते हैं कि अच्छा बजट हो, उस बजट की चर्चा हो प्रदेश में, प्रदेश के बाहर भी चर्चा हो कि राजस्थान सरकार जो बजट लेकर आई है, क्योंकि अभी जो प्रदेश की वित्तीय स्थिति है उसमें भी खूब खबरें आ रही है कि बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, तो उसको ध्यान में रखते हुए भी जो सरकार की जिम्मेदारी है वो बहुत बढ़ जाती है। तो सभी की नजरें टिकी हुई है पहले बजट पर और आज की बैठक के बाद ये देखना होगा कि क्या सुझाव सरकार को मिले हैं और सरकार उनमें से कितने सुझावों को शामिल करना चाहती है, उन सुझावों को क्या उसी रूप में सरकार शामिल करेगी या कुछ उसमें कमी या उसमें अपनी तरफ से कुछ वैल्यू एडिशन करके उसको शामिल करेगी। लेकिन इतना कहें कि ये जो बजट होगा चादरी, ये आम जनता का बजट होगा, आम राजस्थान का बजट होगा और सरकार की कोशिश रहेगी कि समाज के हर तबके का ध्यान इस बजट में उड़ा। बिल्कुल शिवेंद्र, तो जिस तरीके से ये बजट पेश होगा उसके बाद यहाँ पर हर बिंदु को यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है, जैसा कि भी आप भी बता रहे थे कि यहाँ पर इस बजट को ऐसे पेश किया जाएगा ताकि इसकी चर्चा हर तरफ हो और इस बजट के तहत ही हर वर्गों को भी ध्यान में यहाँ पर रखा जा रहा है। शिवेंद्र, जी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये जो बैठक है बेहद महत्वपूर्ण और यहाँ पर तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी, तमाम मंत्री भी जो हैं वो इस बैठक में यहाँ पर मौजूद हैं।